आज मुख्यमंत्री पीएम के सपना के महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने और आधे दर्जन लोगों को लेकर बिहार को भगवान के भरोसे छोड़कर विपक्षी एकता के कार्यों में लगे हुए हैं और ये विपक्षी एकता बिहार को अराजकता में पहुंचा रहा है। बिहार विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्षी एकता की बैठक को लेकर के भी निशाना साधा है। बेंगलुरु में हो रही विपक्षी एकता की बैठक को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विपक्षी एकता की बैठक जो है वो बिहार को कमजोर कर रहा है। आइए सुनते हैं विजय कुमार सिन्हा क्या कह रहे हैं। जो इतने लंबे वर्षों तक बिहार के अंदर मुख्यमंत्री के पद पर रहे, अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे, लेकिन अपने जिला को न अपराध से मुक्त कर सके न भ्रष्टाचार से मुक्त कर सके। और जो व्यक्ति अपना जिला को नहीं संभाल सकते वो प्रदेश और देश संभालने की बात बेईमानी नजर आती है। आज मुख्यमंत्री पीएम के सपना के महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने और आधे दर्जन लोगों को लेकर बिहार को भगवान के भरोसे छोड़कर विपक्षी एकता के कार्यों में लगे हुए हैं और ये विपक्षी एकता बिहार को अराजकता में पहुंचा रहा है पूरे बिहार के अंदर। मैं आपको जानकारी दूं कि लगभग 5000 से ज्यादा लोग जब से महागठबंधन की सरकार बनी है ये हत्या और अपराधियों के गोली का शिकार हो गया। और इसमें ज्यादातर हत्याएं दारू माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया के कारण हुआ है। और प्रशासन में बैठा हुआ भ्रष्टाचारियों की एक जमात इस तीनों माफिया से मिलकर के समाज के अंदर एक भय का वातावरण बना रहा है। बिहार शरीफ के अंदर दारू माफिया ने जिस तरह से रजनीश कुमार का जियर गांव में हाथ काटा, पैर काटा, फिर गर्दन काट लिया और एक अजब चीज देखने को मिला कि दारुओं के अपने वो बोतल में भर करके तार के गाछ पर डाल दिया। लोगों ने दिखाया फोटो, हमने डीएसपी से बात किया, हत्या इतना निर्मम हत्या के बाद एसपी स्थल पर नहीं पहुंचे। उसी तरह से प्रहलाद नगर में किशोर चौधरी के खेत में लोग जानवर घुसा देते थे, दलित समुदाय से थे, मना किया तो पीट पीट कर मार दिया, 4 दिन तक केस नहीं लिया। जब भाजपा के सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन शुरू किया तो केस लिया, 1 तारीख को हत्या हुआ। आज 15 दिन से ऊपर हो चुका, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार में बैठे मंत्री का आरोप लगा रहा है कि उनके दबाव में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। मुख्यमंत्री जी, आपके जिले का ये हाल है और यही हाल पूरे बिहार के हर जिले का है। अरे हद तो तब हो गई कि लोकतंत्र की धरती वैशाली में एक मंदिर के पुजारी को पीट पीट कर हत्या कर दिया। वो मंदिर में बाजा बजा रहे थे भजन का। आप जिस गठबंधन में गए यही घटना महाराष्ट्र में घटी तो मुख्यमंत्री इमीडिएट पहुंचा, लेकिन आपको संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है।
और उस वैशाली की धरती से। आप अभी विजय कुमार सिन्हा को सुने तो उन्होंने किस तरह से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो है हमला किया, इसके साथ साथ उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध पर भी सरकार को निशाने पर लिया है और विपक्षी एकता की जो बैठक बेंगलुरु में हो रही है उस पर भी निशाना साधने का काम किया है। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल पटना।